गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मैं जितेंद्र कुमार मौत एक बार फिर से आपकी सेवा में हाजिर हूँ। तो स्टूडेंट्स, हम लोगों ने टीचिंग मेथड्स का इंट्रोडक्शन पढ़ा, टीचिंग मेथड्स के एलिमेंट्स पढ़े। आज हम लोग पढ़ रहे हैं प्रिंसिपल्स पढ़ रहे हैं। किसके? लैंग्वेज टीचिंग के हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं? प्रिंसिपल्स पढ़ने जा रहे हैं। तो हम लोग पढ़ेंगे कि कौन कौन से सिद्धांत होते हैं लैंग्वेज टीचिंग के। ओके, तो देखते हैं। पहला जो हमारा प्रिंसिपल होता है वो कौन सा होता है स्टूडेंट्स? प्रिंसिपल ऑफ मोटिवेशन। सबसे पहला जो हमारा सिद्धांत है उसको मैं बोल सकता हूं अभिप्रेरणा का सिद्धांत। क्या बोल सकता हूं? अभिप्रेरणा का सिद्धांत। बिल्कुल सही बात है कि अगर कोई लैंग्वेज हमें सीखनी है तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि लैंग्वेज मोटिवेशन से भी सीखी जा सकती है। अगर हम लोग किसी को प्रेरित करते हैं कोई चीज सीखने के लिए, कोई लैंग्वेज सीखने के लिए, तो बिल्कुल ये नेचुरल है कि बंदा क्या करेगा, सीख जाएगा। तो मोटिवेशन सीखने के लिए, लर्निंग के लिए बहुत ज्यादा क्या होता है, यूजफुल रहता है। तो मैं कह सकता हूं कि लैंग्वेज टीचिंग के लिए मोटिवेशन होना क्या होता है, जरूरी है। तो इसके कुछ पॉइंट्स हैं, अब मैं आपको बताता हूं कि मोटिवेशन, प्रिंसिपल ऑफ मोटिवेशन जो है ना, वो लैंग्वेज टीचिंग में कहां कहां काम करता है। तो इसके कुछ पॉइंट्स मैंने बनाए, मैं आपको बताता हूं। तो सबसे पहला इसका पॉइंट क्या रहेगा कि इट इज ए नेचुरल प्रोसेस। मैं आपको कहना चाह रहा हूं कि प्रिंसिपल ऑफ मोटिवेशन क्या होता है साथियों, एक नेचुरल प्रोसेस होती है। अगर कोई बंदा कुछ सीखने के लिए, कोई लैंग्वेज सीखने के लिए क्या होता है, मोटिवेट होता है, तो नेचुरली वो क्या हो जाता है, उस लैंग्वेज को सीख जाता है। तो मैं कह सकता हूं कि प्रिंसिपल ऑफ मोटिवेशन एक नेचुरल प्रोसेस है। सेकेंड है, इसकी क्वालिटी को बताता हूं कि इट इज अ साइकोलॉजिकल प्रोसेस। प्रिंसिपल ऑफ मोटिवेशन एक साइकोलॉजिकल प्रोसेस होती है, एक मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया होती है। मतलब कोई इंसान लैंग्वेज क्या करता है, सीखता है, ठीक है, तो मोटिवेट होने के लिए उसे, ठीक है, उसको साइकोलॉजिकली क्या होना पड़ता है, स्ट्रोंग होना पड़ता है। अगर किसी इंसान ने साइकोलॉजी बना ली कि नहीं मेरे को ये लैंग्वेज नहीं सीखनी, तो वो लैंग्वेज बिल्कुल भी नहीं सीख पाता। मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर किसी इंसान ने ये साइकोलॉजी मन में बना ली कि वो लैंग्वेज नहीं सीख पाएगा, तो वो जिंदगी में नहीं सीख पाएगा। इसलिए मैं कह सकता हूँ कि मोटिवेशन जो होता है, ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ मोटिवेशन क्या होता है, एक नेचुरल प्रोसेस होती है, एक साइकोलॉजिकल प्रोसेस होती है। इसकी थर्ड क्वालिटी हम लोग देखते हैं कि एक टीचर जो होता है, a teacher should मोटिवेट। एक टीचर को मोटिवेट करना चाहिए। आप भी समझ रहे होंगे किसको मोटिवेट करना चाहिए, हिज लर्नर्स। अपने लर्नर्स को क्या करना चाहिए, मोटिवेट करना चाहिए। क्या करने के लिए मोटिवेट करना चाहिए जी? फॉर लैंग्वेज लर्निंग। बिल्कुल सही बात है कि एक टीचर जो है, अगर किसी व्यक्ति को लैंग्वेज सीखनी है, तो लैंग्वेज लर्निंग के लिए जितना मोटिवेट एक टीचर कर सकता है, उतना मोटिवेट कोई भी नहीं कर सकता। पेरेंट्स भी बच्चे को, एक बच्चा जब देखा करो आप लोग कि एक बच्चा जब पैदा होता है, वो जैसे 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 ग्रो करता है, तो उसके पेरेंट्स, जैसे मान लो हमारे यहाँ राजस्थान की बात करें, मारवाड़ी, ढूंढाड़ी, राजस्थानी, क्या पता कितनी लैंग्वेजेस बोली जाती है, पेरेंट्स ये चाहते हैं कि मेरा बच्चा स्टार्टिंग में क्या बोलने लग जाए, हिंदी बोलने लग जाए, ठीक है। बट
वो बच्चा जो होता है वो बच्चा क्या नहीं सीख पाता है, हिंदी नहीं सीख पाता है, वो अपनी ठीक है क्षेत्रीय जो भाषा होती है, रीजनल जो लैंग्वेज होती है, जो मारवाड़ी हो चाहे ढूंढाड़ी हो ठीक है, चाहे मेवाती हो, कोई सी भी लैंग्वेज हो, उसको जल्दी सीखता है। क्यों? क्योंकि वहां पर उसका जो एटमोसफेयर होता है ना, उस एटमोसफेयर में वही लैंग्वेज ज्यादा बोली जा रही है। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, पेरेंट्स उसके सामने हिंदी बोल लेंगे, पेरेंट्स उसके सामने क्या करेंगे, हिंदी बोल लेंगे, बट जब तक बच्चा साइकोलॉजिकली तैयार नहीं होगा तब तक वो क्या नहीं कर पाएगा ठीक है, हिंदी लैंग्वेज को नहीं सीख पाएगा ठीक है। इसलिए मैं कहना चाह रहा हूँ कि पेरेंट्स वगैरह कभी भी क्या नहीं कर सकते, पेरेंट्स क्या नहीं कर सकते किसी बच्चे को ठीक है, क्या नहीं कर सकते लैंग्वेज लर्निंग के लिए, क्या नहीं कर सकते, मोटिवेट नहीं कर सकते। जितना मोटिवेट कौन कर सकता है, टीचर कर सकता है। एक बच्चा जो होता है ना, वो टीचर से ज्यादा मोटिवेट होता है, मैं आपको कहना चाहूंगा। एक बच्चा जो होता है ना, वो लैंग्वेज सीखने के लिए टीचर से ज्यादा क्या होता है, मोटिवेट होता है। इसलिए टीचर जो होता है ना, उसे प्रोनंसिएशन सही करना चाहिए, उसे शब्दों का प्रोनंसिएशन सही करना चाहिए ठीक है, उसकी टीचिंग टेक्निक, टीचिंग मेथड उसका सही होना चाहिए, क्योंकि बच्चा जो होता है वो टीचर को ज्यादा फॉलो करता है। आई मेरी बात सुन? तो ये मेरा थर्ड पॉइंट था। फोर्थ पॉइंट क्या है कि विदाउट मोटिवेशन, विदाउट मोटिवेशन, बिना मोटिवेशन के देखते जाए, यू कैन नॉट अचीव। बिल्कुल सही बात है, यू कैन नॉट अचीव, आप अचीव नहीं कर पाते हैं द बिग गोल्स। अगर जीवन में कुछ बड़ा प्राप्त करना है जी, तो मोटिवेट होना जरूरी है। अरे आपको मान लो एवरेस्ट की चढ़ाई करनी है, एवरेस्ट की चढ़ाई आपके लिए एक बड़ा गोल है, एक बिग गोल है, वो चढ़ाई आप पूरी कब तक नहीं कर पाएंगे अगर आप सेल्फ मोटिवेटेड नहीं होंगे। आई मेरी बात समझ में? तो मोटिवेशन के बिना आप लोग कोई बड़ा गोल प्राप्त नहीं कर पाएंगे। तो मैंने कहा प्रिंसिपल ऑफ मोटिवेशन की बात की कि एक नेचुरल प्रोसेस होती है, एक साइकोलॉजिकल प्रोसेस होती है। एक टीचर को क्या करना चाहिए, क्लास में स्टूडेंट्स को ठीक है लैंग्वेज लर्निंग के लिए मोटिवेट करना चाहिए। और लास्ट मैंने कहा कि विदाउट मोटिवेशन ठीक है, पर्सन कैन नॉट अचीव बिग गोल्स, ग्रेट गोल्स, बड़े गोल्स क्या नहीं कर सकता है, वो प्राप्त नहीं कर सकता। तो ये प्रिंसिपल ऑफ मोटिवेशन, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आए होंगे। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट, जल्दी कीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं थोड़ा सा पानी पी लेता हूँ, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। कमेंट्स में कोई कमी नहीं होनी चाहिए, कमेंट जरूर किया करें आप। कमेंट्स में कोई कंजूसी नहीं हुई। देखो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर किया कीजिए, ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स तक पहुंचाने की कोशिश करें। अब नेक्स्ट हमारा जो तो प्रिंसिपल आता है, वो प्रिंसिपल है जी, प्रिंसिपल ऑफ इमिटेशन, प्रिंसिपल ऑफ इमिटेशन। इमिटेशन जानते हो ना आप, मतलब अनुकरण करना, फॉलो करना, तो इसको बोलते हैं हम लोग अनुकरण का सिद्धांत। इमिटेशन नकल भी बोल सकता हूं, अनुकरण का सिद्धांत बोलते हैं इसे। मतलब एक बच्चा जो होता है, मैं आपको समझाना चाहूंगा कि एक बच्चा जो होता है, एक स्टूडेंट जो होता है ठीक है, वो अपने टीचर से, अपनी टीचर की क्या करता है, टीचर को फॉलो करता है, टीचर की क्या करता है, इमिटेशन वो करता है। आप कहीं पे भी देख लेना, अगर टीचर जो है वो किसी वर्ड का सही प्रोनंसिएशन करेगा ठीक है, तो स्टूडेंट भी क्या करेगा, सही प्रोनंसिएशन करेगा। और अगर कोई टीचर किसी वर्ड को गलत प्रोनंसिएट करेगा तो बच्चा भी क्या करेगा, गलत प्रोनंसिएट ही करेगा। जैसे मैं प्रोनंसिएशन की बात करूं ठीक है, एक वर्ड होता है प्रोनंसिएशन, तो
प्रोनाउंसिएशन को अगर टीचर ऐसे बोलता है कि प्रोनाउंसिएशन, तो बच्चा भी क्या बोलेगा? प्रोनाउंसिएशन ही बोलेगा। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि लैंग्वेज लर्निंग में एक इमिटेशन का एक इम्पोर्टेंट क्या होता है साहब, रोल होता है। ये मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बच्चा जो होता है वो देख देख के क्या करता है, सीखता है। आई मेरी बात समझ में? एक बच्चा जब पैदा होता है तो देखा करो वो अपने पेरेंट्स को, अपने माहौल को देख देख के कुछ बातें सीखता है, बोलने की कोशिश करता है, हैं? जैसे हम लोग बोलते हैं वैसे वो बोलने की कोशिश करता है। तो मतलब ये हुआ कि लैंग्वेज लर्निंग जो है वो इमिटेशन से भी आ सकती है। तो इसलिए अगर कोई टीचर पढ़ा रहा है तो उसे ये ध्यान रखना चाहिए कि वो प्रोनंसिएशन सही करे, उसकी टीचिंग टेक्निक सही हो, उसके टीचिंग मेथड्स सही हो, क्योंकि बच्चा उसको क्या करेगा, फॉलो करेगा। तो यहाँ पर इसके कुछ पॉइंट्स हैं जो मैं आपको लिखवाता हूँ। सबसे पहले बताऊं कि इट इज अ मिमिक प्रोसेस। मिमिक आप जानते हैं, मिमिक्री करना, किसी की नकल करना, तो ये एक अनुकरण की क्या होती है, प्रक्रिया होती है। सेकंड इसका हम बताएंगे कि साहब प्रोनंसिएशन जो है, देखो बात आ गई है वही जो मैं अभी बता रहा था कि प्रोनंसिएशन जो है शुड बी करेक्ट। बिल्कुल सही बात है, प्रोनंसिएशन क्या होना चाहिए जी, बिल्कुल करेक्ट होना चाहिए। किसका? ऑफ अ टीचर। किसी टीचर का जो प्रोनंसिएशन है वो बिल्कुल क्या होना चाहिए, करेक्ट होना चाहिए। और थर्ड अगर बात करूं मैं तो एक टीचर जो है, देखो ये वाला भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ए टीचर शुड, ध्यान दीजिएगा, ए टीचर शुड ट्राई करेक्ट टीचिंग मेथड। बात आ गई आपके समझ में भी, मैंने बताया था आप लोगों को कि एक टीचर जो है ना उसको सही टीचिंग मेथड का यूज करना चाहिए, एक्यूरेट उसको वोकैबुलरी का यूज करना चाहिए, एक्यूरेट वोकैबुलरी का उसको यूज करना चाहिए। यहाँ लिख देता हूँ मैं, अगर आपको थोड़ी प्रॉब्लम्स आ रही है तो, एक्यूरेट वोकैबुलरी का उसे यूज करना चाहिए। आई मेरी बात समझ में? कौन से टाइम पर? व्हाइल टीचिंग। एक टीचर जब पढ़ा रहा है तो उसके टीचिंग मेथड सही होने चाहिए, उसकी जो वोकैबुलरी जो वो यूज कर रहा है वो एक्यूरेट होनी चाहिए। तो ये आपका इमिटेशन की क्या, इमिटेशन का क्या था, प्रिंसिपल था। प्रिंसिपल ऑफ इमिटेशन क्या बोलता है कि एक मिमिक प्रोसेस है, एक टीचर जो है उस टीचर को क्या करना चाहिए साहब, करेक्ट प्रोनंसिएशन का यूज करना चाहिए, उसका टीचिंग मेथड सही होना चाहिए, दूसरी बात उसको वोकैब जो है वो भी क्या होनी चाहिए, एक्यूरेट यूज करनी चाहिए। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं थोड़ी चार्ट लेता हूँ, स्क्रीनशॉट लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, और अगला हम लोग पढ़ेंगे प्रिंसिपल ऑफ प्रैक्टिस। अगला हम लोग पढ़ेंगे प्रिंसिपल ऑफ प्रैक्टिस, इसका तो आप कर लीजिए फटाफट। देखो कोरोना महामारी ने सबका जीवन अस्त व्यस्त कर दिया है, और जहां तक बात है एजुकेशन के ऊपर तो इसका बहुत बुरा प्रभाव पड़ा है। तो मैं तो यही कहना चाहूंगा कि जहां से कुछ भी बेटर मिले तो पढ़ते रहना चाहिए इंसान को। ऑनलाइन क्लासेज अगर आपको मिल रही है तो उसका यूज करें। हो गया होगा आप लोगों का, हो गया होगा, मैं आगे बढ़ देता हूँ, इसको रैप कर देता हूँ। तो प्रिंसिपल ऑफ प्रैक्टिस की बात कर रहे थे,
देखो ये जो प्रैक्टिस जो वर्ड है, एक वर्ड होता है प्रैक्टिस और एक वर्ड होता है प्रैक्टाइज, इनमें डिफरेंस होता है। देखो ये प्रैक्टिस जो है वो तो एक वर्ब है और प्रैक्टाइज जो है वो एक क्या हो जाएगा, नाउन हो जाएगा। ये पता होना चाहिए अपने को, प्रैक्टाइज एक क्या होता है, नाउन होता है, और प्रैक्टिस क्या होती है, वर्ब होती है। ओके तो देखें, अब हम सब जानते हैं कि लर्निंग जो होती है वो लर्निंग प्रैक्टिस के बिना नहीं आ सकती है। अगर आप जापानी लैंग्वेज सीख रहे हैं तो आप, टीचर आपको क्लास में पढ़ा रहा है, आप उसकी इमिटेशन भी कर रहे हैं, आप टीचर से मोटिवेट भी हो रहे हैं, लेकिन केवल मोटिवेशन और केवल इमिटेशन से काम नहीं चलेगा लैंग्वेज सीखने के लिए। आपको उस लैंग्वेज का क्या करना पड़ेगा, अभ्यास करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, अभ्यास करना पड़ेगा। तो मैं कह सकता हूं कि अभ्यास का जो सिद्धांत है वो भी लैंग्वेज लर्निंग में इंपोर्टेंट क्या रखता है, रोल रखता है साहब ना। तो अभ्यास का सिद्धांत हम पढ़ने जा रहे हैं, तो मैं तो आपको यही कहूंगा कि अभ्यास जितना हो सके उतना कीजिए, लैंग्वेज ऑटोमेटिकली आने लग जाएगी। तो इसमें कुछ पॉइंट्स हैं। आपने एक वर्ल्ड फेमस कहावत सुनी होगी, प्रोवर्ब, वर्ल्ड फेमस प्रोवर्ब है क्या कि प्रैक्टिस, एक वर्ल्ड फेमस कहावत है, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। खूब सुना होगा कि अभ्यास इंसान को परफेक्ट बनाता है, ये बात बिल्कुल सही है। तो अगर आपको परफेक्ट बनना है, परफेक्शन जो है, परफेक्शन केवल प्रैक्टिस से ही आएगा, मोटिवेशन से नहीं आएगा, इमिटेशन से नहीं आएगा, प्रैक्टिस करना जरूरी होगा। दूसरा इसका पॉइंट है अपना, हम बात करते हैं कि प्रैक्टिस जो है हमें, वो प्रैक्टिस किसकी करनी चाहिए, लैंग्वेज स्किल्स की हमें क्या करनी चाहिए साहब, प्रैक्टिस करनी चाहिए। हमारी जो लैंग्वेज स्किल्स होती है उनकी हमें प्रैक्टिस करनी चाहिए, भाषा शैली, भाषा कौशल का अभ्यास हमें करना चाहिए। आई मेरी बात समझ में, मतलब लैंग्वेज में हमारा स्किलफुल होना जरूरी है, ठीक है, कुशल होना जरूरी है। उसके लिए हमें लैंग्वेज का अभ्यास करना पड़ेगा, प्रॉपर उसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो अब बात आती है कि सर ये स्किल क्या होता है, तो स्किल की डेफिनेशन भी मैं बता देता हूँ आप लोगों को। तो यहां लिख देता हूं मैं, स्किल क्या होता है, देखें, एन एडेप्टनेस, एडेप्टनेस का मतलब कुशलता, और एन एक्सपर्टनेस, एडेप्टनेस और एक्सपर्टनेस ऑफ डूइंग समथिंग, ऑफ डूइंग समथिंग। कोई कार्य करने की निपुणता है वो ही स्किल है। मैंने क्या कहा, कोई कार्य करने की निपुणता है वो ही क्या है, स्किल है। तो मैंने लिखा है एन एडेप्टनेस और एन एक्सपर्टनेस ऑफ डूइंग समथिंग, ठीक है, कोई कार्य करने की कुशलता ही, निपुणता ही क्या है, स्किल है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा, एक क्वेश्चन भी आया हुआ है, वो क्वेश्चन मैं दोहराता हूं कि वॉट इज द अल्टीमेट गोल ऑफ लैंग्वेज लर्निंग, कि भाषा सीखने का अंतिम जो लक्ष्य है वो क्या है, भाषा सीखने का लक्ष्य क्या है साहब, भाषा सीखने का लक्ष्य लिसनिंग है, भाषा सीखने का लक्ष्य स्पीकिंग है, भाषा सीखने का लक्ष्य रीडिंग है, भाषा सीखने का मतलब मकसद राइटिंग है। सबसे ज्यादा एक व्यक्ति का जो अल्टीमेट गोल होता है लैंग्वेज सीखने का, वो क्या होता है, इनमें से कौन सा होता है, LSRW में से कौन सा होता है, LSRW पूछ रहा हूँ आपसे कि LSRW में से
लैंग्वेज सीखने का अल्टीमेट गोल कौन सा होता है? क्या हम लैंग्वेज सुनने के लिए सीखते हैं? नहीं, गलत बात। सुन तो कोई सी भी लैंग्वेज लेते हैं तो सुनने के लिए लैंग्वेज थोड़ी सीखते हैं। हाँ जी, क्या हमें रीडिंग के लिए लैंग्वेज सीखते हैं? क्या रीडिंग करना ही हमारा अल्टीमेट टारगेट होता है क्या? नहीं जी, रीडिंग तो हम लोग लैंग्वेज सीखने लग जाएंगे तो ऑटोमेटिकली आएगी। आपको लोगों के सामने बोलना पड़े वो आपका अल्टीमेट गोल है, ठीक है। राइटिंग देखो, रीडिंग और राइटिंग आप कर लेंगे, वहां पर आपको शर्मिंदगी नहीं होगी। आप 19-20 भी कर देंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अगर आप लैंग्वेज पढ़ रहे हैं, लैंग्वेज की क्लासेज आप ले रहे हैं और वो लैंग्वेज आप 10 लोगों के बीच में बोल ही नहीं पा रहे हैं, तो इसका मतलब आपकी लैंग्वेज सीखी हुई किसी काम की नहीं है। तो मैं कहना चाहूंगा कि लैंग्वेज सीखने का जो अल्टीमेट गोल होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? स्पीकिंग, कि जो लैंग्वेज आप सीख रहे हैं उसको बोलना भी आपको आए। आई मेरी बात समझ में? इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं आपको स्किल की कुछ प्रकार बताता हूँ कि स्किल कौन कौन से प्रकार की होती है। हाँ जी, स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट, स्क्रीनशॉट जल्दी कीजिए, बर्फ कर रहा हूं ऊपर से। आज हम लोग 3 principles ही पढ़ने जा रहे हैं, बाकी के जो प्रिंसिपल है नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ लेंगे। कल की क्लास मिस हो गई, रीजन आप सब जानते हैं, ताऊ के तूफान आ गया था। नेक्स्ट स्किल के बारे में मैं आपको बता रहा हूं कि स्किल कैसे पढ़ सकते हैं हम लोग। एक तो होती है रिसेप्टिव स्किल, ठीक है जी, और एक होती है प्रोडक्टिव स्किल। एक स्किल तो होती है रिसेप्टिव। रिसेप्टिव का मतलब क्या होता है? जैसे हमें जो हम लोग इनपुट में करते हैं, और एक प्रोडक्टिव स्किल होती है जिससे कुछ हमें सीखने को मिलता है। तो रिसेप्टिव स्किल जो होती है इसमें केवल लिसनिंग का काम होता है, ठीक है, और रीडिंग का काम होता है। रिसेप्ट कर रहे हैं मतलब आप लोग अर्जन कर रहे हैं, ले रहे हैं आप लैंग्वेज को, तो आप केवल सुन रहे हैं और रीडिंग। तो रिसेप्टिव स्किल में केवल लिसनिंग और रीडिंग होती है, जबकि प्रोडक्टिव जो स्किल होती है, प्रोडक्टिव स्किल में स्पीकिंग होती है और क्या होती है साहब, राइटिंग होती है, मतलब इसका आउटपुट निकलता है। देखो, रिसेप्टिव स्किल में तो इनपुट होता है, हम लोग सुनते हैं, हम लोग रीड करते हैं, जो भी रीड करेंगे वो ठीक है, हम लोग क्या कर रहे हैं, नॉलेज गेन ही कर रहे हैं। और प्रोडक्टिव स्किल क्या बोलती है? इसमें हम लोग जो लैंग्वेज सीख रहे हैं, ठीक है, उसको हम क्या कर रहे हैं साहब, बोल रहे हैं, स्पीक कर रहे हैं। दूसरी बात, हम लिख रहे हैं तो उसका भी क्या आ रहा है, वो आउटपुट हो रहा है, ठीक है साहब। इसके बाद में इसको एक तरीके से और बोल सकता हूँ कि स्किल को एक नाम और दे सकता हूँ कि एक स्किल इनपुट स्किल होती है और एक स्किल क्या होती है, आउटपुट स्किल होती है, वैसे भी बोल सकता हूँ। समझ रहे होंगे आप मेरी बात, ठीक है। प्रोडक्टिव स्किल को मैं आउटपुट स्किल बोल सकता हूँ और रिसेप्टिव स्किल को मैं इनपुट स्किल बोल सकता हूँ। समझ रहे होंगे आप, प्रोडक्टिव स्किल जो होगी वो क्या होगी, आउटपुट स्किल होगी, और रिसेप्टिव स्किल होगी वो क्या होगी, इनपुट स्किल होगी। तो ये मेरे 3 principles मैंने आज डिस्कस किए, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये प्रिंसिपल समझ में आ गए होंगे। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या करेंगे, आगे के जो प्रिंसिपल्स हैं वो प्रिंसिपल्स हम लोग पढ़ेंगे, प्रिंसिपल ऑफ नेचुरलनेस, इंटरेस्ट, कई प्रिंसिपल्स हैं, वो सारे प्रिंसिपल्स के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। आज की क्लास में यही रोकना चाहूंगा, कल फिर मिलेंगे, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।